जी शहर चिनेट से मैं हूँ मुदस्सर फलक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 66 न्यूज़। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से हर तरफ सफाई के जो दावे हैं वो धरे के धरे हैं। मेन शहरा झंग रोड पीर हाफिज दीवान के दरबार के सामने खड़ा हूँ। इधर जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जो सेवरेज का नाकारा इंतज़ाम की वजह से जो नमाजी हजरात हैं काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो गंदे पानी की वजह से किन मुश्किल का सामना है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप मीडिया वाले का शुक्रिया कि आप हमारे पास आए और हमारी आवाज़ ऊपर तक ले जा रहे हैं। हमें बहुत तकलीफ़ है, हम यहाँ से नमाज़ के लिए जाना होता है, ये जो पानी बाहर सड़क पर फिर रहा है इसके ऊपर अभी पाँव रखते हैं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। सामने बच्चे थे, नमाज़ के लिए हमने जाना है। हाँ जी, वहाँ नहीं जा सकते, ये दुकानों के सामने पानी है, कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, साथ मच्छर ऊपर पता नहीं कितना कितना आ रहा है। जी देखो जी, वबाई बीमारियाँ फैल रही हैं जनाब, तो इसके लिए हम इल्तमास हमारी कि इसको फ़ौरन ठीक किया जाए, मेहरबानी होगी। ये जितने इंतजामिया है, हमारी चिनेट की इंतजामिया है, हमारे ऊपर इंतजामिया है, सारे सारे सुन लीजिए, आप हमारे हाल पर रहम करें, हमारे हाल पर रहम करें ताकि ये करोड़ों रुपए की ये रोड खराब हो रही है, कि पता नहीं कितने रुपए खराब हो रही है, किसी को इसकी तकलीफ नहीं है, लेकिन ये हमारे पैसों की बनी हुई है, हमें पता है इसकी तकलीफ होती है, हमें ये मेहरबानी करें। जी बिल्कुल, हमने शहरियों की बात सुनी, शहरियों ने ज़िलाई इंतजामिया हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि ये जो गंदे छोड़ कर पानी जमा हो रहे हैं इनसे तरह तरह की बीमारियां फूट रही हैं, सांस की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां। शहरियों ने हुकूमत वक्त ज़िलाई इंतजामिया से अपील की है कि खुदारा हम पे रहम किया जाए और हमारी भी हुकूमत पंजाब से ज़िलाई हुकूमत से अरबाब वक्त से यही मुतालबा है कि जो शहरियों के मुतालबात हैं पूरे किए जाएँ ताकि जो आम आदमी है वह मामूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर सके। जी।